नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं अच्छी और सकारात्मक खबरें। शुरू करने से पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। देश भर में मनाया गया भारत का गणतंत्र दिवस। आईपैड, लैपटॉप, वाईफाई जैसी सुविधाएं देने वाला ऑटो ड्राइवर। दुनिया का पहला सोलर गांव। स्वीट रेजोल्यूशन का जनक, यहां हुई थी शून्य की खोज। उत्साह, साहस और जोश के साथ मनाया गया देश का 73वां गणतंत्र दिवस। सुनते हैं ये पूरी खबर। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस एक ऐसा दिन जो देश का राष्ट्रीय पर्व है। देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी धर्म, जाति या संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो, इस दिन को राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर मनाता है। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में राजपथ पर भारत की सैन्य शक्ति के साथ ही सांस्कृतिक झलक और परंपरागत विरासत की झांकी पेश की गई। महाराष्ट्र की झांकी में राज्य के जैव विविधता और जैव प्रतीकों का प्रदर्शन किया गया। गणतंत्र दिवस के दिन निकलने वाली परेड देखने के लिए इस बार रक्षा मंत्रालय ने ऐसा निमंत्रण पत्र तैयार किया था, जिसे दिखाकर लोग परेड देख सकेंगे और घर आकर उसे गमले में लगा दें तो उसी से एलोवेरा, आंवला या अश्वगंधा का पौधा उग जाएगा। निमंत्रण पत्र में नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, आंवला का पौधा उगाने के लिए इस कार्ड को बोएं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुलिस पदकों की घोषणा भी हुई। महाराष्ट्र के 51 पुलिस कर्मियों को पदक मिले हैं। इनमें से 4 पुलिस अधिकारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक दिए गए। पुणे के MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान शौर्य चक्र प्राप्त सेवानिवृत्त मेजर और भारतीय सेना के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पवन कुमार के हाथों तिरंगा फहराया गया। इस समय सम्मानित शास्त्रज्ञ डॉक्टर विजय कुमार उपस्थित थे। चेन्नई के लोग इस ऑटो रिक्शा के दीवाने हैं। जानते हैं क्या खास बात है इसमें। तमिलनाडु के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर अन्ना दुराई की जमकर तारीफ हो रही है। अन्ना दुराई चेन्नई में पिछले 10 सालों से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। उनकी तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि वह अपनी ऑटो रिक्शा में यात्रियों को बेहतर सुविधा दे रहे हैं। इसमें लग्जरी गैजेट्स, आईपैड, लैपटॉप, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ फ्रिज और मुफ्त वाईफाई शामिल है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल ग्राहक यात्रा के दौरान कर सकते हैं। उनकी खास बात यह है कि वह टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस और सैनिटाइजेशन जैसे पेशों से जुड़े लोगों को मुफ्त यात्रा कराते हैं। अन्नादुरई के लिए ग्राहकों की खुशी पैसे से ज्यादा मायने रखती है। शुरुआत में उन्हें ग्राहकों का इंतजार करना पड़ता था और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग उनका इंतजार करते हैं। अन्नादुरई के पिता और बड़े भाई दोनों ऑटो ड्राइवर हैं और आर्थिक समस्या के कारण उन्हें 12वीं कक्षा में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन अन्नादुरई ने हार नहीं मानी और अपने ज्ञान तथा हुनर को अपने नए पेशे में इस्तेमाल किया। अन्नादुरई फराटेदार अंग्रेजी बोल लेते हैं। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी उन्हें कस्टमर मैनेजमेंट पर भाषण देने के लिए आमंत्रित करती हैं। देश का पहला गांव जहां न किसी घर में चूल्हे हैं न ही गैस के सिलेंडर, यह है मध्य प्रदेश का बांछा गांव। बांछा गांव मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बसा है। वैसे तो यह एक आम गांव है, लेकिन बीते 5 वर्षों में इस गांव ने देश में एक अलग पहचान बनाई है। दरअसल यह भारत का पहला धुआं रहित गांव है। यहां न किसी घर में चूल्हा है और न किसी को रसोई गैस की जरूरत। बांछा एक आदिवासी बहुल गांव है और यहां के सभी 74 घरों में सौर ऊर्जा के जरिए खाना बनता है। पहले यहां के लोगों को खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लानी पड़ती थी, जिससे पर्यावरण को भी काफी नुकसान होता था। यहां के लोग खेती किसानी और मजदूरी करने वाले लोग हैं और जंगल से लकड़ियां लाने में काफी समय बर्बाद होता था। उन्हें सरकारी गैस कनेक्शन तो मिले थे, लेकिन लोग पैसे के कमी के कारण गैस नहीं भरवा पाते थे। बीते 4-5 वर्षों में बांछा गांव बिजली के मामले में बिल्कुल आत्मनिर्भर हो चुका है और सोलर पैनल के जरिए न सिर्फ महिलाओं को खाना बनाने में आसानी हो रही है, बल्कि बच्चों को पढ़ाई के लिए एक नई प्रेरणा भी मिल रही है। सोलर पैनल लगने से गांव की महिलाओं को अब धुएं का सामना नहीं करना पड़ता, जो कई बीमारियों की जड़ है। साथ ही
अब बर्तन भी काले नहीं होते। एक प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट ने स्टीविया की खेती को नया आयाम दिया। मिलते हैं मध्य प्रदेश के राजपाल सिंह से। राजपाल गांधी ने चीनी से भी अधिक मीठे स्टीविया की खेती शुरू करके एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया है जिससे न सिर्फ लोगों का स्वाद बदला बल्कि किसानों को आमदनी के लिए एक बेहतर जरिया भी मिला। ये बात स्टीविया की खेती करने वाले राजपाल सिंह गांधी के बारे में है। मूल रूप से पंजाब के बंगा के रहने वाले राजपाल को देश में स्टीविया की खेती को एक नया आयाम देने के लिए जाना जाता है। राजपाल के पास फिलहाल 200 एकड़ जमीन है जिस पर वह न सिर्फ स्टीविया की खेती करते हैं बल्कि आम, एवोकाडो, बादाम, इलायची, जेनेसिंग जैसे 30,000 से अधिक पेड़ भी लगे हैं। राजपाल 500 से अधिक किसानों को स्टीविया की ट्रेनिंग दे चुके हैं। विश्व भर के गणितज्ञों के लिए शोध का केंद्र बना है चतुर्भुज मंदिर। जानते हैं क्या है इसकी खासियत। कहा जाता है कि शून्य या जीरो ये संख्या भारत ने दुनिया को दी और वहीं से बड़े अंकों की गिनती शुरू हुई। इस बात का प्रमाण भारत के ग्वालियर में देखने को मिलता है। देश विदेश के गणितज्ञों के लिए ग्वालियर का किला अध्ययन का केंद्र बना है। ग्वालियर किले पर 9वीं शताब्दी के चतुर्भुज मंदिर में एक शिलालेख पर सबसे पहले शून्य का अंक दर्ज हुआ था। यह खोज महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। इस शिलालेख के माध्यम से मध्य प्रदेश के टूरिज्म विभाग ने अब पर्यटकों को लुभाने का काम शुरू कर दिया है। इसे मैथमेटिक्स टूरिज्म का नाम दिया गया है। बताया जाता है कि जीरो का सबसे पहला उपयोग नागवंश के शासनकाल में 9वीं शताब्दी में किया गया था। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।